Hello, my loveliest friends. How is life? Welcome to Learn English Online with Krishna. दोस्तों, Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है. अच्छा दोस्तों, English में एक word है catch. C-A-T-C-H, catch. Catch का इस्तेमाल spoken English में बहुत ज़्यादा होता है. ये लगभग daily basis पर हम इसको use कर ही लेते हैं. Catch के सारे uses अगर हमको पता चल जाए, catch के collocations अगर हमको पता चल जाए, तो हम इंग्लिश में बहुत सारे सेंटेंसेस को बड़ी आसानी से बोल सकते हैं और हमारी इंग्लिश और भी खूबसूरत होगी. हमारा जो कम्युनिकेशन है, जो दूसरों के साथ जो बातचीत हम करते हैं, वो और भी आसान होने की उम्मीद होती है. तो दोस्तों, कैच के कॉलोकेशंस आज हम सीखेंगे. कॉलोकेशन क्या होता है दोस्तों? जब एक ही वर्ड के कई कई यूजेज होते हैं, उसी को कॉलोकेशन कहते हैं. तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लास है आपके लिए, काफ़ी यूजफुल है, स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी हेल्प करेगी आपको. आपको ध्यान से एंड तक पूरी वीडियो को देखना चाहिए और कैच के सारे कॉलोकेशंस को ठीक से सीख लेना चाहिए, जिससे कि आप अच्छी इंग्लिश बोल सकें. दोस्तों, आज जो टॉपिक है हमारा, वो है कॉलोकेशंस विद कैच. अच्छा दोस्तों, जो पहला कॉलोकेशन है इसका, वो बहुत ही कॉमन है. ये आप हो सकता है अपने बचपन में सीख लिया हो. ये दोस्तों, कैच अ कोल्ड. कैच अ कोल्ड का मीनिंग है जुकाम हो जाना, सर्दी हो जाना, जुकाम हो जाना जब हो जाता है हमको. तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉलोकेशन है कैच अ कोल्ड, इसमें कैच ही वर्ब है. यानी एक वर्ब जैसे यूज होता है अपने कई रूपों में, जैसे गो का मतलब होता है जाना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, पांच फॉर्म है. जैसा टेंस होगा, जैसा सब्जेक्ट होगा, वैसे उसको इस्तेमाल करेंगे. वैसे ही इस कॉलोकेशन को आप किसी भी टेंस में, किसी भी सब्जेक्ट के साथ सिर्फ कैच के रूप को बदलते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं. तो कैच ए कोल्ड का मीनिंग दोस्तों, जुकाम हो जाना, सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे. तो एक एग्जाम्पल मैंने बनाया आपके समझने के लिए कि कोई किसी को सावधान कर रहा है कि इफ़ यू गो आउट इन द रेन, अगर आप बारिश में बाहर जाएंगे, इफ़ यू गो आउट इन द रेन, अगर आप बारिश में बाहर जाएंगे, यू माइट कैच अ कोल्ड, तो हो सकता है कि आपको जुकाम हो जाए, इसीलिए बारिश में मत जाओ. कोई किसी को सावधान कर रहा है. तो अगर आप बारिश में बाहर गए या अगर आप बारिश में बाहर जाएंगे, ये कंडीशनल सेंटेंस है. इफ़ यू गो आउट इन द रेन, यू माइट कैच अ कोल्ड, इस प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हैं. आई कॉट अ कोल्ड, मुझे जुकाम हो गया, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कंडीशनल सेंटेंस में ही बोला जाए, कैसे भी. मैंने आपको पहले बता दिया कि कैच इसमें एक वर्ब है, जैसा सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है वैसे इसको आप यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद है दोस्तों कैच 22, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉलोकेशन है, ये हमको ज़रूर सीखना चाहिए. कैच 22 कब इस्तेमाल करेंगे? अच्छा दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कोई आदमी पहली बार जॉब ढूंढने के लिए निकला. अब उसको कई जगहों पे उसको मना कर रहे हैं कि हम आपको जॉब नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है. वो आदमी कह रहा है कि भाई, मेरे पास एक्सपीरियंस तब होगा ना जब मुझे काम मिलेगा. आप मुझे मौका दोगे तभी तो मुझे एक्सपीरियंस होगा मेरे पास. तो काम इसलिए नहीं मिल रहा कि एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस इसलिए नहीं हो रहा कि काम नहीं कोई देने को तैयार है. जैसे एक ज़माने में रहा होगा कि राशन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड नहीं बनेगा, आधार कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड नहीं बनेगा. कैच 22, अब ऐसा नहीं है लेकिन हो सकता है शुरू शुरू में ऐसा रहा हो. तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में जब भी हम हो या कोई और हो, तो हम कैच 22 का इस्तेमाल कर सकते हैं. सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? जो मैंने आपको अभी बात बताई उसी को मैंने एग्जाम्पल में बनाया. मैं आपको बताता हूँ. जैसे वही आदमी जो जॉब ढूंढने निकला था, वो कह रहा है कि आई कांट गेट अ जॉब, मुझे जॉब इसलिए नहीं मिल सकती बिकॉज आई डोंट हैव एक्सपीरियंस, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है. आई कांट गेट अ जॉब बिकॉज आई डोंट हैव एक्सपीरियंस, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे जॉब नहीं मिल सकती. फिर वो कह रहा है कि आई कांट हैव एक्सपीरियंस, अब मेरे पास एक्सपीरियंस इसलिए नहीं हो सकता अनटिल आई गेट अ जॉब, कि जब तक मुझे जॉब ना मिले. तो आई एम इन अ कैच 22 सिचुएशन, तो मैं तो कैच 22 सिचुएशन में फंस गया हूँ. तो दोस्तों, आपने देखा बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको यूज़ बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं. बड़ी बड़ी बातों को बोलने के लिए सिर्फ एक सेंटेंस में, यू नो, आई एम कॉट इन अ कैच 22 सिचुएशन, या आई एम इन अ कैच 22 सिचुएशन, कैसे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके बाद दोस्तों, तीसरा हमारा कॉलोकेशन, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. ये दोस्तों, कैच अ विफ. विफ, WHIFF, विफ का मतलब होता है किसी भी गंध का एक झोंका. जैसे मान लेते किसी ने लहसुन खाया, अगर आप उसके पास गए, आपको एक तेज़ झोंका गंध का, लहसुन की गंध का लगेगा, फिर आप कहेंगे तो दोस्तों ये जो इस प्रकार से झोंका लगता है, अच्छा बदबू का नहीं, खुशबू का भी हो सकता है. किसी ने बहुत अच्छा परफ्यूम या डिओड्रेंट लगाया, आप उसके पास गए तो आपको बड़ा अच्छा, एक बहुत अच्छा फील होगा क्योंकि खुशबू का झोंका आपको आकर के लगेगा. ये जो झोंका होता है दोस्तों, खुशबू का, गंध का, किसी भी प्रकार की गंध का, खुशबू का या बदबू का, उसको विफ कह सकते हैं. सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? तो दोस्तों, मैंने एक अच्छे सेंस वाला, अच्छे भाव वाला सेंटेंस बनाया कि
ही कॉट अ वेफ ऑफ हर परफ्यूम. कोई किसी के पास गया तो किसी जिसके पास गया उसने अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ था तो उसको एक बड़ी अच्छी खुशबू का झोंका मिला. ही कॉट अ वेफ ऑफ अ परफ्यूम. तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं बोलने में, इंग्लिश बोलने में. अच्छा दोस्तों, मैंने अभी गंध की बात की तो उससे मुझे याद आया कि जो अलग अलग प्रकार की जो स्मेल्स होती हैं, जो गंध होती हैं, इनके ऊपर मेरा एक वीडियो है. अगर आप वो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश वोकैबुलरी, वोकैबुलरी सीखें. उस प्लेलिस्ट में आपको दूसरे या तीसरे नंबर का पे ये वीडियो है, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए. इससे आपको काफ़ी नॉलेज होगी अलग अलग प्रकार की गंधों को क्या बोलते हैं. उसके बाद है दोस्तों जो अगला जो कॉलोकेशन हमारा वो है कैच वंस आई. कैच वंस आई का मीनिंग है किसी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लेना. इसमें सरप्राइज का एलिमेंट होता है. जैसे मान लेते हैं आप जा रहे हैं कहीं और आपने सड़क पे रोड पे एक रोल्स रॉयस कार देखी जाते हुए, तो ऑब्वियसली वो कार सबका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करती है. सब लोग देखते हैं अरे कौन सी गाड़ी है, या हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल या कोई भी सुपर बाइक जा रही है रोड पे, उसकी आवाज़, उसका लुक लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करती है. किसी ने हीरे की अंगूठी पहनी है, बड़ा सा हीरा लगा हुआ है, डायमंड, तो वो ध्यान आकृष्ट करेगा अपनी तरफ. तो इसमें सरप्राइज का एलिमेंट जब होगा तो हमको इसको यूज़ करना चाहिए, कैच वंस आई. तो सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, तो एक एग्जाम्पल दोस्तों वैसे ही बनाया कि हर रिंग, उसकी अंगूठी ने, हर रिंग कॉट माय आई, उसकी अंगूठी ने मेरा ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट कर लिया. अच्छा दोस्तों, इसके बाद वाला जो कॉलोकेशन है वो भी समझ लेते हैं थोड़ा, क्योंकि ये दोनों मिलते जुलते हैं. ये है दोस्तों कैच समवंस अटेंशन, किसी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लेना. अच्छा तो ये दोनों क्या सेम है, कई जगहों पर, कई मौक़ों पर ये दोनों सेम तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं, इंटरचेंजेबल हो सकते हैं, लेकिन दोनों में एक बड़ा बारीक फ़र्क है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ. ये जो है दोस्तों कैच वंस आई, जो अभी हमने सीखा, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इसमें सरप्राइज का, हैरानी का एलिमेंट होना चाहिए. और ये जो है दूसरा कैच समवंस अटेंशन, ये हो सकता है कोई जानबूझ करके भी जब हम दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं. जैसे अगर किसी का बिजनेस है, किसी की कोई दुकान है, शॉप है या शोरूम है, तो वो कस्टमर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, उनका ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, तो ये वो वाली चीज़ ज़्यादा होगी. ऐसा हम एक अंतर समझना है तो ऐसे करके अंतर समझ सकते हैं. एक एग्जाम्पल बनाया दोस्तों, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि कुछ लोग जिनका कोई बिजनेस है या कुछ भी, तो वो बता रहे हैं कि वी वांटेड टू कैच द अटेंशन ऑफ शॉपर्स, कि जो लोग खरीदारी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, शॉपर्स, उनका ध्यान हम अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते थे, खींचना चाहते थे. तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें कोई सरप्राइज का एलिमेंट नहीं है. कुछ लोग डिलीबरेटली जानबूझकर ये कोशिश कर रहे थे कि शॉपर्स का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो जाए, लेकिन इसमें अगर कोई चीज़ हमारा ध्यान खींच ले अपने आप, तो यही अंतर है. मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए क्या डिफरेंस है. उसके बाद है दोस्तों आखिरी, और ये भी बहुत कॉमन है, कैच यू लेटर. कैच का एक इस्तेमाल ये भी है, आप किसी से कह रहे हैं ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, कैच यू लेटर, मैं तुमसे बाद मिलता हूँ. तो सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, या तो सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं कैच यू लेटर, नहीं तो एक सेंटेंस बनाया जा सकता है ऐसे, ओके एवरी वन कैच यू लेटर, कि ठीक है भाई लोगों मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, ओके एवरी वन कैच यू लेटर. तो इस प्रकार से इसको यूज़ करेंगे. अच्छा दोस्तों, कैच यू लेटर जब आपको बताया तो एक मुझे दूसरा एक फ्रेज याद आ गया इसी मीनिंग का, वो मैं आपको बताया था, जो मैंने लिखा नहीं मैं आपको ऐसे ही बताया था. जहाँ पर भी आप कैच यू लेटर बोल सकते हैं वहीं पर आप स्मेल यू लेटर भी बोल सकते हैं. अब अंग्रेज लोग थोड़ा फनी होते हैं, उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो अच्छा होता है. जैसे किसी किससे जब मिलेंगे हम, जब दोस्तों के साथ मिलते हैं, जब उनके साथ बैठ के बातचीत करते हैं, तो उनके शरीर की सब, एक दूसरे के शरीर की गंध हमको मिल जाती है. किसी के शरीर से अगर खुशबू आ रही तो वो भी पता चल जाता है, किसी के शरीर से बदबू आ रही तो वो भी पता चल जाता है. तो अंग्रेज़ कह रहा है स्मेल यू लेटर, कि मैं तुम्हें बाद में सूंघता हूँ. सूंघेंगे कब, जब साथ में मिलके बैठेंगे. तो कैच यू लेटर की जगह पर, ये मैं अलग से आपको वैसे ही बता रहा हूँ, तो कैच यू लेटर की जगह पर आप स्मेल यू लेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी लैंग्वेज को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, थोड़ा फनी बना सकते हैं. तो दोस्तों ये कैच के कॉलोकेशन से मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको यूज़ करके आप इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश बोलने के एक कदम और करीब पहुँचेंगे. अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगले वीडियो में आपको फिर से इसी तरह के कुछ यूज़फुल कॉलोकेशंस या फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स या इडियम्स बताने की कोशिश करूँगा. इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए. अगर मुझे लगेगा कि वो वीडियो काफ़ी लोगों के काम आएगा तो मैं आपको उस पर एक वीडियो बना करके ज़रूर दूंगा. थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय.